बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन, उसकी टू टाइप्स, इंटरनल डेप्रिसिएशन और एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन, जिसके आगे फर्दर टू टाइप्स थी जिसके बारे में हमने बताया था। जिसमें फॉर एग्जांपल 2005 में हमने मशीनरी ली है, उसकी कोई और वर्थ होगी मशीनरी की, और 2010 में उस मशीनरी की कोई और वर्थ होगी। आज हम पढ़ेंगे फिर डेप्रिसिएशन का फर्दर, क्योंकि हम इसको देखना चाहते हैं न्यूमेरिकल के थ्रू, प्रैक्टिकल के तरफ देखना चाहते हैं कि जाना कि नहीं। दो मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन के, टू मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि ये आई कॉम, बी कॉम और एम बी वाले लेवल के स्टूडेंट्स या एम कॉम के स्टूडेंट्स इसको आसानी से समझ सकेंगे इस वीडियो को, कि किस तरह से हो सकते हैं। और भी स्टूडेंट्स जो है ना, वो जो इंटरेस्ट होगा उसको समझ सकेंगे। दो मेथड हैं, सबसे पहले मेथड होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि जब ये मेथड आ जाए ना तो इस तरह किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, ये हम न्यूमेरिकल के थ्रू आगे देखेंगे। इसका एक और नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसका एक और नाम है, यानी कि किसी भी नाम आ जाए सबके मतलब जो है ना वो एक ही है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसमें क्या होगा, हर साल डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, हर साल सेम रखेंगे अपनी डेप्रिसिएशन, ये मैं न्यूमेरिकल के थ्रू बताऊँगा आपको किस तरह जाना होगा, सेम रखेंगे। दूसरी मेथड हमारे पास डेप्रिसिएशन का रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, वैल्यू मेथड। इसके भी फर्दर डिफरेंट नाम है, जो भी आ जाए उसको करने का तरीका है एक ही मेथड से होगा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, बैलेंस मेथड। इसमें ना हर साल डेप्रिसिएशन ना डिफरेंट रखनी है, यानी कि नॉट सेम फॉर ईच ईयर। ये दो मेथड हैं, इन दोनों मेथड को फॉलो करते हुए हम सवाल भी करेंगे, इसके एक सवाल भी करेंगे जिसमें अगर ये लफ्ज़ यूज़ होगा तो किस तरह सेम रखना है हर साल में, अगर ये वाला मेथड आएगा तो किस तरह डिफरेंट रखनी है हर साल में। तो एक एंट्रीज होती हैं इसके लिए, बेसिकली पीछे एंट्रीज हो रही होती हैं इसकी, तो हम एंट्रीज डिस्कस करते हैं। जब भी हम मशीनरी ख़रीदते हैं, व्हेन मशीनरी या कोई भी एसेट, बिल्डिंग होगी, प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया, कोई भी एसेट हम परचेज करते हैं, पार्ट करते हैं, एक ही नाम है इसका भी, परचेज करते हैं, हमारे पास से पैसा जा रहा होता है, पैसा को अकाउंटिंग में कैश कहते हैं। पैसा हमारे पास से जा रहा होता है, पॉकेट से हमारे पैसा जा रहा होता है, हमारे पास क्या आ रही होती है, मशीनरी आ रही होती है, या कोई भी एसेट का नेम हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, एसेट लिखती है मतलब एसेट का नाम, बिल्डिंग हो सकती है, प्लांट हो सकती है, मशीनरी हो सकती है। तो इसकी नोटेशन हम क्या लिखेंगे, मशीनरी या एसेट परचेज्ड। सबसे पहले तो हमने डिपेंडेंट मशीनरी परचेज की है, अब जब इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, अब देखें डेप्रिसिएशन का ताल्लुक कैसे, जब डेप्रिसिएशन क्यों, क्योंकि इस पर वियर एंड टियर होगा, इस पर डिप्लीशन की वजह से होगी, फ्लैक्स ऑफ टाइम मतलब न्यू इनोवेशन आएगी, न्यू आइडियाज आएंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी या एसेट, किसी भी एसेट पे, प्लांट पे, मशीनरी पे। तो डेप्रिसिएशन की वजह से, अब मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा था डेप्रिसिएशन हमेशा एसेट की वैल्यू क्या करेगा, डिक्लाइन करेगा, हमेशा डिक्रीज करेगा इसकी वैल्यू का, क्योंकि उसकी वर्थ आस्ते आस्ते साल के साथ साथ उसकी वर्थ कम होना शुरू जाती है। इसकी नरेशन हम कह दे देंगे डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी। अब कोई भी कंपनी है या कोई भी फर्म है या कोई भी पर्सन है, वो चाहता है कि हमने मशीनरी सेल करनी है, व्हेन एसेट, हम पीछे मशीनरी का जिक्र कर रहे थे, यहाँ मशीनरी को ले लेते हैं, मशीनरी सोल्ड। जब ये मशीनरी सोल्व करते हैं अकाउंटिंग के प्रोस्पेक्टस से क्या होगा, या अपने प्रोस्पेक्टस से, हमारे पास पॉकेट में पैसा आएगा, कैश आएगा, किस वजह से आएगा, एसेट की वजह से आएगा या मशीनरी की वजह से आएगा, यानी कि हमने मशीनरी सेल कर दी। ये सब न्यूमेरिकल के थ्रू हम देखेंगे किस तरह जो है ना वो, ये ए कॉम बी कॉम या एम बी ए लेवल को, उस पर बहुत बेनिफिट होगा इस एसेट सोल्ड, इसकी नरेशन, और नरेशन हमेशा देना लाजमी है जो है ना वो, ताकि इसका शॉर्ट फॉर्म में, हमेशा नरेशन है शॉर्ट फॉर्म में देनी है।
फिर लास्ट हम देखेंगे जब प्रॉफिट होगा मशीनरी पे, क्योंकि जब बैलेंस क्लोज हो रहा था हर मंथ के एंड में, हर साल के एंड में, या क्वार्टरली या सेमी एनुअली या ईयरली, तो फिर क्या होता है वन प्रॉफिट ऑन मशीनरी, तो फिर क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा, इसी वजह से हो रहा है मशीनरी की वजह से प्रॉफिट हो रहा है मशीनरी की वजह से, उसके अमाउंट लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट एंड लास्ट व्हेन लॉस ऑन मशीनरी, तो यहाँ पे मशीनरी आ जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको न्यूमेरिकल के थ्रू देखेंगे, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।